पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सीईओ ने कहा था अपने ग्रैंडफादर को कि उसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है करके। तो अब ग्रैंडफादर के यहाँ का सीन दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर के यहाँ नदी है, पहाड़ है और सब कुछ बहुत हरा भरा है। और तभी जो ग्रैंडफादर के यहाँ पर फूल पौधे भी बहुत ज्यादा हैं और बहुत अच्छा है। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ठीक है, मैं जैसा तुम चाहते हो वैसा कर दूंगा और मैं आगे पीछे की सभी बातों से अवेयर हूँ करके। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि मुझे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का चार्ट भेजो और जिससे मैं उसका हॉरोस्कोप देख सकूंगा और उसे भी यहाँ लेके आओ जिससे मैं बच्चे को भी देख सकूंगा। ग्रैंडफादर फोन पे ये सब बातें सीईओ से कहते हैं और तभी सीईओ बोलता है ठीक है ग्रैंडफादर, मैं आपके यहाँ पर अपने बच्चे को लेके आ जाऊंगा और बाकी सब मैं अब आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। ग्रैंडफादर भी फोन को रखते हैं। उसके बाद वो उसको टेबल पे रख के सोचते हैं कि क्या करें और वो अपना अभ्यास चालू करते हैं जिसमें वो अपना मटेरियल आर्ट जो उनको आता है वो सब कुछ वैसे ही करते हैं, मतलब उनका फाइटिंग स्किल, और वो बहुत खुश हो रहे होते हैं और बड़ा अपना कर्तव्य दिखाते हैं। कभी हाथ ऊपर करते, कभी पैर ऊपर करते हैं और ऐसे करके वो अपना शो करके दिखाते हैं और वो अपना सारा मटेरियल स्किल एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तभी उनके जो सर्वेंट हैं वो उन्हें देखने लगते हैं कि आज इनको हो क्या गया है और वो बोलते हैं कि आज जो मास्टर है वो बहुत ही एनर्जेटिक लग रहे हैं, क्या कुछ अच्छा हुआ है जो आज वो इतने जोश में है। तभी जो उनके मास्टर है वो सुन लेते हैं उनकी बात और बोलते हैं हाँ यहाँ आज कुछ अच्छा हुआ है तभी मैं इतने जोश में हूँ। मेरा जो ग्रेट ग्रैंडसन है वो अपनी गर्लफ्रेंड को आज मुझे यहाँ पर लेके आने वाला है दिखाने के लिए, इसीलिए मुझे जो है अपने आप को एकदम फिट एंड फाइन रखने की जरूरत है, तभी तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड को अच्छे से देखूंगा करके। और यही कह के वो वापस अपने मटेरियल आर्ट की प्रैक्टिस करने लगते हैं। और तभी जो सर्वेंट्स हैं वो देखते हैं और बोलते हैं कि आप ऑलरेडी 100 इयर्स के हो गए हो, अब आप ये सब कर रहे हो, आपको केयरफुल रहना चाहिए करके। तभी दूसरी ओर एक आदमी वाइबो वगैरह जो उनके एप्स हैं वहां पर सब देखता है कि क्या चल रहा है आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और वहां पर उसको फिर से वही दिखाई देता है कि यी जो है वो यी नहीं है और उसके बारे में सारी चीजें जो है सब कुछ दिखाई जा रही हैं कि वो कैसे आया अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करके। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि मैंने कभी इस आदमी के बारे में सुना नहीं है और यहाँ पर कोई बाई कंपनी है जो यी यून को प्रमोट करना चाह रही है और उनकी जो वेब सीरीज है उसमें वो लड़का कई बार देखा भी गया है और इन्वेस्टर्स और डायरेक्टर्स जो हैं और उसके लिए मतलब फाइट कर रहे हैं करके। उसका जो फेस है यी का जो फेस है वो बहुत ही डेलिकेट है और उसके जो फोटोज हैं वो भी कई लोगों ने सेव किए हैं। और तभी कोई बोलता है कि ये दिखता तो अच्छा है लेकिन कुछ प्रॉब्लम है और ये जो सारी प्रॉब्लम है शायद इसके पीछे ऑरेंज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ही हाथ होगा। और साथ में अभी तक क्या कहते हैं बाई कंपनी जो है उन्होंने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं दिया कि वो आएंगे उसको लेने कि नहीं आएंगे। और वैसे भी यी यून जो है वो अभी भी कुछ खास है नहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और उन लोगों ने अपने लिए ऑलरेडी किसी को चुन लिया है उनके नए प्रोग्राम के लिए जिसका नाम स्पेस है। तो अब कैसे हम बाई कंपनी को वापस अपनी तरफ आकर्षित करें। और तभी वो बोलता है कि कौन मुझे बता सकता है कि क्या हो रहा है। बच्चा उनका उठ जाता है करके और जब उठता है तो वो देखता है कि यी अपने सिर पे हाथ लगा रहा है क्योंकि वो बहुत ही परेशान हो गया है क्योंकि अभी तक उसको बाई कंपनी ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है और यदि वो कांटेक्ट नहीं करेगी तो उसका चांस कैसे आएगा। तभी बच्चा पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो यी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि मेरे फैंस मुझे मिस कर रहे होंगे। दूसरी तरफ बाई एंटरटेनमेंट जो बिल्डिंग है उसमें एक आदमी यी का जो है फोटो रखता है और बोलता है कि मैं इस आदमी को अपने साथ अपनी कंपनी में लाना चाहता हूँ। ये वही आदमी जो पर्पल हेयर वाला होता है और जिसे बहुत ही क्यूरियसिटी होती है। और तभी दूसरा आदमी बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि उसने तो अभी तक प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नहीं ली है, तो हम उसे अपनी कंपनी में क्यों लेके आएंगे। 6 साल हो चुके हैं जब से उसने शूटिंग को स्टार्ट किया है और उसने एक भी काम को ढंग से पूरा नहीं किया है। और उसकी जो एक्टिंग स्किल्स है वो भी बहुत अच्छे नहीं है, बहुत एवरेज से हैं उसके एक्टिंग स्किल्स। और इसके अलावा उसके लुक्स के अलावा उसके पास कोई और एडवांटेज भी नहीं है। तो हम उस आदमी को जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसे हम क्यों साइन कर रहे हैं। तो पर्पल हेयर वाला आदमी बोलता है कि एक्चुअली वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है, इसलिए मैं उसको साइन करना चाहता हूँ हमारी कंपनी में। तो तुम जाओ और पीआर डिपार्टमेंट में जाके बोलो कि हमारा जो पोस्ट है वाइवो पे उसको रीपोस्ट करें और आखिरकार ये आदमी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं वैसे भी हमारे जो सीईओ है उनका फेस देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं गॉसिप्स के लेके बहुत क्यूरियस हूँ और मुझे मेरी क्यूरियसिटी किसी भी तरह पूरी करनी है करके। तभी लड़का बोलता है कि तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, तुम्हें अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कम से कम थोड़ा सा काबू में रखना चाहिए। और तभी पर्पल हेयर वाला आदमी बोलता है कि तुम्हें ऑरेंज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जाके बात करनी चाहिए और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें वो जो डिमांड देते हैं या जो भी कहते हैं उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं ये सारी चीजें तुम पे छोड़ रहा हूँ और तुम इसे अच्छे से करके आना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे भरोसे पे सब कुछ है। तो लड़का बोलता है कि आप ना मैसिंग करना बंद करो, सब जगह पर मैस कर रहे हो आप। पर्पल हेयर वाला आदमी बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी तरफ सीईओ बोलता है कि जो एक्सीडेंट हुआ था स्टंटमैन का उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए करके। तो इनका मैनेजर बोलता है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्रू के साथ नहीं था और वो उस दिन ऑफ ड्यूटी पे था और उसी दिन रात में ये एक्सीडेंट हुआ जब वो ऊपर से नीचे गिर गया। और तभी जो यंग मास्टर थे माने रूरू जो था वो रोने लग गया था और जो मिस्टर यी थे वो शूटिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। और डायरेक्टर ने तभी टेम्पररी डिसाइड किया था कि वो स्टंटमैन को एक्टिंग करने देंगे, लेकिन फिर उसी टाइम पे एक्सीडेंट हो गया और जिस वजह से ये सब हुआ। तभी सीईओ बोलता है फिर उसके बाद क्या हुआ। तो मैनेजर बताता है कि वो अब डेंजर में नहीं है, वो उसकी कंडीशन थोड़ा अच्छी है और वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से आया है और उसको कोई कंपनसेशन भी हमें देना पड़ेगा करके क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लंबा चलेगा और बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। तो सीईओ बोलता है ठीक है, उसे एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करो और उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो मैं ही सारे दूंगा और उसके साथ मैं उसे कंपनसेशन भी दूंगा और उसकी जो फिजिकल हेल्थ के लिए जो उसे प्रॉब्लम्स होंगी और जो उसकी फीस आएगी वो भी वो ही देगा और उसकी फैमिली को भी बहुत सारा पैसा देंगे। तो मैनेजर बोलता है ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। तभी सीईओ बोलता है 1 मिनट रुको करके और फिर सीईओ कुछ सोचता है और फिर उसके आगे बोलता है कि जितने भी सीरीज में यी यून ने काम किया था उन सबको कलेक्ट करके मुझे भेजो। तो मैनेजर बोलता है क्या। तभी वो सोचता है कि मुझे याद है कि उसने जो भी सारे सीरीज किए थे वो कुछ खास अच्छे नहीं थे। तो भी फिर भी सीईओ बोलता है कि नहीं, तुम फिर भी मुझे वो सारे सीरीज भेजो। और उसमें से कई सीरीज के नाम थे कि उन्होंने जो है फॉलिंग इन लव विथ मी में काम किया, स्कूल बेब्स में काम किया, हैंडसम बॉडीगार्ड में काम किया, ऐसे करके कुछ सीरीज थे जिसमें यी ने काम किया था। तो अब दिखाया जाता है कि जो हमारे ग्रैंडफादर हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अगरबत्ती दान में एक अगरबत्ती लगाई है और ये अगरबत्ती दान वाकई में बहुत सुंदर दिख रहा है। और तभी ग्रैंडफादर जो हैं वो एक हाथ में बहुत गर्म सफ वाली ग्रीन टी लेके बैठे होते हैं, उसमें से धुआं निकल रहा होता है क्योंकि वो इस वक्त टी पी रहे होते हैं। और जो सिप लेते हुए कुछ सोचते हैं, और जब वो सोचते हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए करके, वो अपने हाथों पे हाथ रखते हैं और बड़ी देर तक उसको अपने हाथों को रगड़ते हैं। और तब वो सोचते हैं कि मुझे पहले इन दो बच्चों की शादी के बारे में सोचना चाहिए और उसके बारे में प्रेडिक्शन करना चाहिए। और ये सोच के उनकी आंखों में बड़ी चमक आ रही होती है और बड़े ही मन खुश हो रखते हैं। तभी वो देखते हैं कि पैन जिन याओ की जो बर्थ डेट है वो उसमें क्या लिखा है, और उसके नीचे यिन यून की जो बर्थ डेट है उसमें क्या लिखा है। फैंग जिन याओ जो है वो हमारे सीईओ हैं। अब क्या होता है कि वो अपने हाथों पे गणना करने लगते हैं। गणना करते करते वो ये भी सोचने लगते हैं कि आगे क्या मतलब रिजल्ट निकलेगा। तभी उनके दो सर्वेंट उन्हें पीछे से देख रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आज तो बहुत लंबा समय हो गया है और हमारे जो मास्टर है उन्होंने इतने लंबे समय में कभी भी किसी का पर्सनली जो है भाग्य नहीं देखा है, मतलब उनकी जो फॉर्चून टेलिंग है वो उन्होंने बहुत लंबे समय से की नहीं है। और वो दोनों ये देख के अपने मुंह पे हाथ रखते हैं क्योंकि वो दोनों फुसफुसा रहे होते हैं अपने मास्टर के बारे में। और ये भी सोचते हैं कि आज ऐसा कौन सा दिन है कि हमारे मास्टर जो है वो खुद ही किसी की कुंडली बना रहे हैं, और ऐसा कौन सा बड़ा फिगर है, मतलब बड़ी हस्ती है जिसे ये ऑनर प्राप्त हुआ है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे मास्टर खुद उनके लिए काम कर रहे हैं। मास्टर सोचते हैं अपने मन में कि ऑफ कोर्स मैं ही करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरे ग्रैंडसन की कुंडली देखे, नहीं तो दूसरों को भी मेरे ग्रैंडसन के बारे में पता चलेगा। और तभी मास्टर सोचते हैं कि मैं सिर्फ एक छोटी सी लिटिल पिकअप करूंगा, सिर्फ छोटा सा ही थोड़ा सा देखूंगा, पूरा कुछ नहीं देखूंगा। लेकिन मास्टर की क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जाती है और मास्टर 3 ब्रश जो रखे होते हैं उन्हें उठाते हैं और उससे कुछ ड्रॉ करने लगते हैं। अब जब वो ड्रॉ करते हैं तो उसमें से बहुत सारा स्पार्कल वाला मैजिक वाला उनका धुआं सा निकलता है और ब्रश से फटाफट वो लिखते ही चले जाते हैं। जब उनका लिखना कंप्लीट हो जाता है तब वो अपना ब्रश नीचे रख देते हैं। अब जब वो नीचे रखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि अरे ये दो लोगों का भाग्य ऐसा कैसे है। और तभी वो देखते हैं कि एकदम परफेक्ट है, इन दोनों का जो भाग्य एकदम परफेक्ट है। ये सोच के उनकी आंखों में चमक आ जाती है और एकदम उनकी दिल में कुछ धड़कनें अजीब सी बढ़ जाती हैं, लबी डबी जैसी होने लगती हैं उनकी धड़कनें। अब क्या होता है, वो सोचते हैं कि इन दो लोगों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये सोच के मास्टर बड़े खुश हो रहे होते हैं और साथ ही साथ इनका जो फ्यूचर है वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वंडरफुल है। ये देख के तो जैसे उनमें मानो बहुत जोश आ जाता है मास्टर में। वो उठ खड़े होते हैं और जोश में इधर उधर कूदना कादी करने लगते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि जिन याओ का जो पेट है वो बहुत ही वाकई में बहुत अच्छा है और उससे इससे ज्यादा अच्छा उसका भाग्य नहीं हो सकता। फिर वो सोचते हैं कि ये यून का कैसा पेट होगा, मुझे लगता है कि वो ज्यादा खराब पेट नहीं होगा, उसका भी पेट अच्छा होगा। ये सोच के वो यी यून की कुंडली पढ़ने लगते हैं और सोचते हैं कि अधिकतर तो मैं कभी किसी और की कुंडली देखता नहीं हूँ, लेकिन ये क्योंकि हमारे खास हैं इसलिए मैं इसकी कुंडली देख सकता हूँ। ये सोच के वापस अपने हाथ से गणना करना चालू करते हैं। फिर कुछ देर गणना करते हैं, तभी उनकी जो अगरबत्ती है वो अगरबत्ती टूट जाती है। और जब टूटती है तो उसमें क्रैक करके आवाज आती है और जो मास्टर है उनका मुंह खुला ही रह जाता है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि अरे ये क्या हो गया करके और कैसे हो गया। और तभी वो सोचते हैं कि जो मैं ऐसे इंसान का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ जो अपनी यंग एज में ही मरने वाला है। ये देख के वो बड़े हक्के बक्के रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि आज आखिरकार तारीख कौन सी है। यदि मुझे ठीक से याद है तो वो जो लड़का है वो अभी बीमार है और मोजिंग जो उनके यहाँ की सेक्रेटरी है, वो उसको देख के ही तो यी यून फेंट हो गया था, क्योंकि मोजिन जो है वो बहुत ही पावरफुल है, उसकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। आखिरकार उसके पीठ पे एक टाइगर का टैटू भी है और उसकी जो एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि उसमें जो कभी भी कोई भी बुरी आत्मा वगैरह या कोई भी इवल चीज उसमें नहीं जा सकती है। वो काफी स्ट्रांग लड़की है और शायद इसी वजह से जब यी और सेक्रेटरी एक ही रूम में साथ थे तो उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो रही थी कि यी बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसी वजह से वो बेहोश हो गया। लेकिन यी उनका जो टाइम है वो बहुत ही जल्दी खत्म होता जा रहा है। लेकिन इसका और मैं जिन याओ की मैरिज का फेट कैसे एक्सप्लेन करूं? इन दोनों की तो आखिरकार शादी होने ही वाली है। अब यहाँ पर कहाँ कोई गलती हुई, ये सोचते हैं और तभी दूसरी ओर दिखाते हैं सीईओ की हवेली। सीईओ की हवेली में जो रूरू है वो डक का पेस्ट्री बना रहा होता है और बोलता है ये देखो मैंने डक की प्रिंसेस बनाई है। और ये देखता है और बोलता है ये बहुत सुंदर है, हम इसे एक साथ अवन में डालेंगे और ये 15 मिनट और में रेडी भी हो जाएगी, 15-20 मिनट में फिर हम उसे खा सकेंगे। तभी मेड आती है कुछ केक्स लेके और इन दोनों को केक देती है। रूरू उसे थैंक यू बोलता है और बोलता है कि केक जो है वो बहुत डिलीशियस है। लेकिन यी जो है वो सिर्फ मुस्कुराता है और सोचता है अपने हाथ में केक पकड़े हुए कि कल क्या हुआ था, वाकई में वो कैसे कल सो गया था और आजकल उसे वाकई में बहुत ज्यादा टायर्डनेस लगती है, वो बहुत थका फील करता है। तभी उसे याद आता है कि मैं तो हमेशा देर रात तक जागता था, मेरे में हमेशा बहुत एनर्जी रहती थी। और दूसरी ओर हमारे सीईओ यी की पुरानी सीरीज जो उसने डब की थी वो देख रहे होते हैं, जिसमें एक डायलॉग होता है कि तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। सीईओ के दरवाजे पे तभी नॉक होता है और जब सीईओ बोलते हैं, सीईओ वीडियो को पॉज करते हैं और बोलते हैं इधर आओ। तभी उनका मैनेजर आता है और बोलता है कि रिपोर्ट्स तैयार है सर, आपको हमारी रिपोर्ट्स पे साइन करना होगा। तभी सीईओ हमारा रिपोर्ट पे साइन कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि मैनेजर बोलता है कि अब मुझे चलना चाहिए, सीईओ भी हाँ बोल देता है। मैनेजर सोचता है कि सीईओ आखिरकार क्या कर रहा है इस तरह बैठ के, और तभी वो अपना वापस पॉज बटन को ऑन करता है और आगे चीजें देखने लगता है, जिसमें यी बड़े स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होता है। और जो मैनेजर है वो जाते जाते दरवाजा बंद करते हुए देखता है और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर एक डायलॉग आता है कि सिली गर्ल तुम्हें कुछ आइडिया नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, आई लव यू। मैनेजर और सीईओ दोनों ये सुन के बड़े हक्के बक्के रह जाते हैं और मैनेजर सोचता है कि मेरे जो दिमाग की सेल्स हैं वो सारी मर गई है, मेरे लंग्स और स्टमक में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई। ये सब सुन के सीईओ भी ये देखता है और ना सीईओ ये सुन लेता है कि मैनेजर ने ऐसा कुछ कहा है, तो मैनेजर फटाक से उसे सॉरी बोलता है और वहां से भाग जाता है। और तभी सीईओ देखता है कि आई लव यू लिखा हुआ आ रहा है, तो सीईओ बोलता है व्हाट आई लव यू, ये कोई तरीका है पिक्चर में एक्टिंग करने का। दूसरी तरफ रूरू जो है वो एरोप्लेन से खेल रहा होता है, उसके पास अब बहुत सारे प्लेन है, आज वो पायलट बना है इसीलिए वो प्लेन उड़ा रहा होता है। और तभी यी उसे देख रहा होता है और खुश हो रहा होता है। सर्वेंट आती है एक हाथ में केक की ट्रे लेके और कहती है कि आप केक खाइए। लेकिन रूरू के पास कहाँ टाइम है केक खाने का, रूरू तो गेम खेलने में ही बिजी है, आखिरकार एरोप्लेन उड़ाना है। यी को रिंग होता है कि उसका फोन आ रहा है, वो फोन की तरफ देखता है और उसे याद आता है कि मिस जैन का फोन आने वाला था और वो फोन में मिस जैन का नाम देखता है। फोन उठाता है और बोलता है हेलो मिस जैन, यी यून तुमने देखा कि आज तुम हॉट सर्च पे हो, ये बात मिस जैन उसको बताती है। और तभी यी को लगता है हॉट सर्च, कौन सा हॉट सर्च, कैसा हॉट सर्च। तभी मिस जैन बताती है कि तुम आज हॉट सर्च पे हो और कंपनी ने जो है तुम्हें कंपनी में जल्द से जल्द बुलाया है। यी बोलता है क्या मुझे अभी आना है, तो मिस जैन बोलती है हाँ तुम्हें अभी आना है। और वो ये भी बोलती है कि जब तुम आओ तो अपना फेस कवर करके आना। अब ये सब हो जाने के बाद वो देखता है कि उसके सामने रूरू प्लेन लेके खड़ा है और बोलता है कि ठीक है मैं ऑन द वे हूँ, मैं जल्द से जल्द आता हूँ। यी फोन रखता है और रूरू यी की गोदी में अपना एरोप्लेन रखता है और देखता है और बोलता है क्या यी तुम जा रहे हो? तो यी बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ। तभी यी अपने मन में सोचता है क्या मुझे अपने साथ रूरू को इस टाइम अपने ऑफिस ले जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन फिर साथ में वो ये भी सोचता है कि यदि मैं रूरू को यहाँ छोड़ के जाऊंगा अकेला तो कैसा रहेगा, उसे बड़ी चिंता होती है। तभी जो सर्वेंट है वो बोलती है कि सर आपको जाना है तो आप जाइए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं रूरू का ध्यान रखूंगी। तो जो यी है वो सोचता है कि उसे याद आता है कि पिछली बार जब वो गया था सेट के ऊपर तो क्या हुआ था, और फिर सीईओ ने भी उसे बहुत डांटा था कि तुम इतने से बच्चे को कैसे फिल्मिंग साइट पे ले जा सकते हो जहाँ पर इतना सब कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, और उस दिन तुम रात में भी बच्चे के साथ खेल रहे थे, तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है करके। तो उसे याद आता है कि हालांकि जो सीईओ है वो बहुत ही तेज नेचर का है लेकिन कभी भी उसने रूरू को हर्ट नहीं किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि वो रूरू को यहाँ छोड़ के जाएगा। तो रूरू फिर से बोलता है कि हम क्या साथ में जा रहे हैं लेकिन मुझे अभी भी एरोप्लेन के साथ खेलना है करके। तभी यी बोलता है कि मुझे काम पे जाना है, तुम यहाँ रहो और यहाँ पर जो सारी लेडीज हैं उनके साथ मिलके तुम खेल सकते हो। तो यी अपने रूरू की तरफ देखता है और रूरू यी की तरफ देखता है, बोलता है ठीक है मैं यहीं रहूंगा और गुड बॉय बन के रहूंगा, तुम जल्दी आना और हम दोनों साथ में डिनर लेंगे करके। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, हमेशा की तरह वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब जो यी है वो गाड़ी पकड़ता है और निकल पड़ता है अपने ऑफिस की तरफ, लेकिन बैठे बैठे वो देखता है कि न्यूज में क्या बताया जा रहा है। वो अपने फोन में देखता है कि वहाँ पर लिखा हुआ है जो इंटरटेनमेंट न्यूज है वहाँ पर कि जो यी यून है उसका फेस जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई पूछता है कि वो कौन है और तभी कुछ लोग बोलते हैं कि हम कुछ अभी बता नहीं सकते हैं कि वो कौन है। और दूसरी तरफ जो बाई एंटरटेनमेंट है उन्होंने अपने सीरीज प्रिंस के लिए यी यू को फाइनली डिस्कवर कर लिया है, तो अब अच्छा होगा कि कोई अच्छे इन्वेस्टर्स वगैरह उसमें इन्वेस्ट करें उस सीरीज में। तभी ये सोच रहा होता है कि मैं कैसे हॉट सर्च पे हूँ, मैंने ऐसा क्या किया है। वो टैक्सी में बैठे बैठे यही सोच रहा होता है और वो ये भी देखता है फोन में कि बाई कंपनी ने उन सब र्यूमर्स का रिप्लाई भी दिया है, और वो सोचता है कि ये हो सकता है किसी बड़े हस्ती ने मेरी सीरीज को देखा हो और शायद उन्होंने मेरा रिकमेंडेशन बाई कंपनी को किया हो। ये सोच के उसकी आंखें चमक पड़ती हैं और उसे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक सोच रहा है करके। दूसरी तरफ सीईओ बैठ के यी के ही सीरीज देख रहा होता है, लेकिन तभी उसे छींक आती है और वो सोचता है कि कौन मुझे याद कर रहा है करके, या मैंने क्या कोल्ड पकड़ लिया है क्या, मुझे सर्दी हो गई है क्या करके। तभी वो अपने कंपनी में पहुंचता है ऑरेंज एंटरटेनमेंट कंपनी में, और तब बहुत सारी भीड़ लगी होती है और वो लोग सोच रहे होते हैं, वो भीड़ में जो लोग हैं वो बोल रहे होते हैं कि क्या हम वाकई में बाई कंपनी के साथ कॉपरेट करने वाले हैं क्या। तभी लोग बोलते हैं कि ऑफ कोर्स हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपना ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट भी बनाया है। लेकिन जो पर्सन उन्होंने पिक किया है वो हमारी हेड एक्टर जैंग लीली नहीं है, उसकी जगह तो उन्होंने यी उनको पिक किया हुआ है। और तभी वो बोलते हैं कि पिछली बार जब वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आए थे बाई कंपनी के तब यी यून यहाँ ऑफिस में नहीं था। यी यून जो है वो यहाँ अपने ऑफिस में आ चुका होता है और ये सारी गॉसिपें खड़े होके पीछे से सुन रहा होता है। तभी लोग बोलते हैं कि जो दीदी है उसके लिए बाई कंपनी के लोग नहीं आए थे, उन्होंने तो यी यून के बारे में पूछा। तो यी यून ये बात सुनता है और यी की जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह जाती है क्योंकि सभी ये बोल रहे हैं। तभी उसे वहां पर सुनाई देता है कोई बोलता है कि यी यून जो है वो हमारी कंपनी का एक्टर है और बहुत हार्ड वर्किंग भी है और वो हमारी कंपनी में फेमस भी है, और जो जैंग लीली है वो इस बार वो फेल हो गई है इस रोल को लेने में और उसका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, ऐसे लड़कियां गॉसिप कर रही होती हैं और हंस रही होती है कि कैसे लिली को रिजेक्ट कर दिया गया। किसी तरह ये ऑफिस में पूछता है और मिस जैंग से पूछता है कि मिस जैंग क्या हो गया है, ये सब बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो मिस जैंग बताती है कि मुझे ठीक से पूरी बात पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, पर बाई कंपनी के लोग यहाँ पर अचानक आए थे और वो तुम्हें पूछ रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि क्या तुम हमारी कंपनी में काम करते हो, लेकिन जैन लीली जो है वो अपने आप को उबाई कंपनी के साथ प्रमोट करना चाहती थी और वो काफी बन ठन के आई थी, लेकिन उसकी दाल वहां गली नहीं और उसे वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया, उसे नहीं सेलेक्ट किया गया। और उन लोगों ने ये भी कहा कि वो डायरेक्टली तुमको देखना चाहते हैं और क्या तुम हमारी कंपनी के एक्टर हो। तो जिन ली जो थी वो बहुत ही एम्बेरस्ड हो गई थी सबके सामने, क्योंकि वो सोच रही थी कि उसके लिए आए होंगे, लेकिन वो उसके लिए नहीं तुम्हारे लिए आए थे। तो ये बात सुन के बोलता है कि वाकई में वो एम्बेरस हो गई थी क्या। और फिर वो ये भी सोचता है कि यदि वो एम्बेरस हुई है तो वो इस बात को बिल्कुल आसानी से जाने नहीं देगी। और यही सेम बात मिसेस जैन भी बोलती है। तो वो बोलती है कि कल तुम्हारे बारे में जरूर कोई र्यूमर्स जरूर उठेंगी, क्योंकि जो लिली है वो बहुत ही जेलस प्रकार की इंसान है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो तुम्हारे बारे में क्यूरियस हैं और बहुत सारे लोगों को तुमसे जेलस भी हो रहा है। और तो कल तुम सबके बारे में टॉपिक बनोगे, मतलब तुम सभी के विषय का टॉपिक बनने वाले हो कल। तो तुम्हें अब अपना प्रोफाइल लो रह के चलना पड़ेगा। तो मिस जैंग बोलती है कि जो फेम है वो आएगी, लेकिन वो साथ में ट्रबल भी लाएगी, और लेकिन ये ट्रबल जो है वो एक अच्छी ट्रबल भी है, तो इसी के कारण तुम्हें अब बहुत सतर्क रहना चाहिए। और वो बोलती है कि ठीक है ही, मैं तुम्हें मिस्टर लाई के पास लेटर लेके चलूंगी। तो ही उसको थैंक्स बोलता है और दूसरी तरफ टीओ का घर दिखाया जाता है। दरवाजा खुलता है, 2 मिनट दरवाजा खोलती है। रूरू सोचता है कि यी वापस आ गया, वो बहुत खुश हो रहा होता है और वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है और जाता है और बोलता है कि मुझे यी के पास जाना है करके। लेकिन यी की जगह पर हमारे सीईओ आ गए होते हैं। वो सीईओ देखते हैं और जब रूरू रुक जाता है आधे रास्ते में तो सीईओ पूछते हैं कि क्या बात है, तुम अचानक रुक क्यों गए। तो रूरू बताता है कि अभी तक ये वापस नहीं आया है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया है और वो घर से बाहर गया है। और वो बताता है कि वो दोपहर में गया था और उसने कहा था कि वो डिनर टाइम तक आएगा, उसने प्रॉमिस भी किया था कि हम लोग साथ में बैठ के डिनर करेंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। रूरू सोचता है कि ये जो है वो अपना रास्ता भूल गया है शायद घर आने के लिए, लेकिन और ये भी हो सकता है कि वो भूखा हो और वो कहीं बैठ के रो रहा हो। रूरू अपने फादर यानी यी की बड़ी फिक्र कर रहा होता है। तो सीईओ पूछता है यदि तुम हंगरी होगे तो क्या तुम भी रोगे। तो ये रूरू बोलता है हाँ, यदि मैं हंगरी होऊंगा तो मैं भी रोऊंगा। तो सीईओ बोलता है ठीक है, तो हम दोनों जाते हैं और यी को पिक करते हैं साथ में।